इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के फॉरेन फंडिंग केस का मामला, पीपी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग तफसीलात में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। करोड़ों रुपए की अतियात की रसीदें न होने का इंकशाफ हुआ है, ये बताना है जराय का। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के जो फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की फंडिंग की तफसीलात में मुबैना अकाउंट्स की मौजूदगी पर नया पंडोरा बक्स खुलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग जो केस है, उसमें तफसीलात में जो अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं और तहरीक इंसाफ ने जो है इस हवाले से अपनी जायजा रिपोर्ट जो है वो मरतब की है और आइंदा हफ्ते अपने एतराजात जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटरी कमेटी को जमा करवाएगी। मुस्लिम लीग की फंडिंग की तफसीलात बारे जो पीटीआई ने एतराजात मुरतब किए हैं, उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की डोनेशन की रसीदें ना होने का इंकशाफ हुआ है। किसने चंदा दिया, किसने अमदाद दी, बड़ी अहम रकम को जो है वसूल की गई, उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो मुस्लिम लीग की जानब से तफसीलात फराहम की गई थी उसमें रिकॉर्ड नहीं है। मुस्लिम लीग के 9 अकाउंट्स में से 7 अकाउंट्स की बैंक अकाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं दी गई। 2013 से 2015 तक पीटीआई जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने नून लीग के मुबैना 7 अकाउंट्स की निशानदेही की है जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। 5 अकाउंट पंजाब केपी के और सिंध में चल रहे थे। नून लीग के जो मुबैना तौर पर 45 करोड़ से जायद के हिसाब ऐसे हैं जिनमें वो जो है वो साथ में उसके शवाहद और जो तफसीलात है वो फराहम नहीं कर सकी। सिर्फ 2% का नून ने रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाया है। पीटीआई की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक जो है पार्टी टिकट की मद में तकरीबन 16.5 करोड़ रुपए का जो है वो फंड जो है उसका भी रिकॉर्ड नहीं फराहम किया गया। हनीफ खान नामी एक शख्स से 45 करोड़ रुपए, बवन दास से 3 करोड़ की जो रकम थी उनका भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सकता। इसी तरह पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने एक दूसरे को जो रकूम जो है वो मुंतकिल की है जो कि खिलाफ जाबता थी। एक जमात सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को हथियार नहीं दे सकती, उसका भी इस पीटीआई की जायजा रिपोर्ट में एतराज सामने आया है। तकरीबन 10 करोड़ रुपए के करीब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने पीपल्स पार्टी को खिलाफ जाबता जो है वो डोनेशन दिया। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।